बागेश्वरी। तीवर रेधा कोमल गामनी मध्यम बादी बखानी, खरज जहां संबादि है बागेश्वरी लखानी। राग चंद्र का सार। दोस्तों आइए आज राग बागेश्वरी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें मैं इसका संक्षिप्त में परिचय दूंगा और राग के आरोह अवरोह तथा पकड़ इत्यादि आपको बताऊंगा। समझें, राग बागेश्वरी को ठाट काफी से उत्पन्न माना गया है। इसमें गा नी कोमल तथा से स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। आरोह में रे और पा वर्ज तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति औड़ संपूर्ण मानी गई है। कभी कभी आलाप समाप्त करते समय आरोह में भी ऋषभ इस तरह प्रयोग कर लेते हैं, जैसे रेगा मागा रेसा, अन्यथा आरोह में नीसा गमा या धानीसा मा का प्रयोग करते हैं। अवरोह में पंचम वक्र प्रयोग करते हैं, किंतु सपाट तानों में सीधा प्रयोग करते हैं, जैसे सा नी धा पा मागा रेसा। गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर यानी कि मध्य रात्रि है। तो आइए दोस्तों अब इस राग के आरोह अवरोह और पकड़ देखते हैं। सा सा नी सा ग म ध नी सा नी ध म प ध ग म ग रे सा। राग की पकड़। धनी सा म म प ध ग म ग रे सा। दोस्तों ये राग का ब्रीफ में परिचय हुआ और आरोह अवरोह तथा पकड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस मेरे ट्यूटोरियल से लाभ होगा, आपको बहुत जानकारी बढ़ेगी राग बागेश्वरी के बारे में। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों।